नागपुर के डीग में कनकाचल और आदि पर्वत को वन क्षेत्र घोषित करवाने की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए समझौते के बाद समाप्त हो गया। पसुपा में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की उपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने यह घोषणा की है और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस बीच जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पसुपा में साधु संतों और ग्रामीणों की उपस्थिति में समझौता पत्र पढ़कर सुनाया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर पहले दिन से ही संवेदनशील है। इस मुद्दे पर बेवजह की राजनीति कर गुमराह करना गलत है। बता दें कि राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार कनकाचल और आदि पर्वत को 15 दिन के भीतर वन क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही खानों की लीज दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जाएगी ताकि यहां लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो। साथ ही आदि पर्वत और कनकाचल क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इधर पसुपा में आत्मध्याय का प्रयास करने वाले साधु विजय दास को जयपुर रेफर किया गया, जहां SMS की बर्न ICU में उनका उपचार किया जा रहा है। जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम कार्यकर्ता है, जनता लीडर है। 15 दिन आपने सरकार पे प्रश्न उठाया, अभी यहाँ अफसर बैठे हैं, आइए। जरूरी है और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विगत 3-4 दिन है वो आप सबके लिए कठिन रहे, हमारे लिए भी कठिन रहे। शासन जो हमारे पूजनीय है साधुगण है, आरोप लगा रहे थे क्या गारंटी है, मैं इनके ऊपर पूछ रहा हूँ उनकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये नहीं करा। वायदा कहते कुछ है करते कुछ है, गरीब जनता पिस रही है बीच में। अब जो सरकार ने वायदा किया पूरा होगा। संतों ने जो आज आग लगाई है उनकी निंदा का विरोध किया, तो संतों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों ने ये निंदा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो मतलब लीडर कौन है? तो लीडर तो हमने और पूरे प्रशासन ने मिलकर, मैं तो मेरा तो शून्य इसमें योगदान है। DC ने, हमारे IG साहब ने, सबने स्पष्ट किया है और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ के साधु संतों से, जिन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, उनसे प्रार्थना करी कि आप जब तक वार्ता चल रही है निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आप इसको स्थगित रखिए। उनकी कृपा रही, उन्होंने हमारी बात मानी। लेकिन आज की जो घटना घटी है वो उससे बहुत पूरे ही संत समाज को, हमारे नहीं पूरे देश भर के संत समाज को बड़ा दुख हुआ है। हम इस घटना को बिल्कुल